राजनीति के अखाड़े में बड़े बड़ों को पटखनी देते हुए देखा है। मेहनत में कमी दिखी, संघर्ष में कमी दिखी, रगड़ाई में कमी दिखी। राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज महाराजा महाविद्यालय में आज 20 जनवरी 2023 का ये दिन छात्र संघ अध्यक्ष भाई संदीप गुर्जर के छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह और छात्र महापंचायत की ऐतिहासिक आयोजन में लोकप्रिय जन नेता सचिन पायलट साहब के मुख्य अतिथि में मंचस्थ और ये युवा तरुणाई के कदम ताल की आवाज से इतिहास बदल जाएंगे, अंगारों की भाषा से भूगोल बदल जाएंगे। हवाओं से कह दो जरा अपनी औकात में रहे, हम परोस रहे हौसलों से उड़ जाएंगे। आदरणीय श्री सचिन पायलट साहब, हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी संदीप गुर्जर साहब, गोविंद बिश्नोई जी, सार्थक शर्मा जी, अतुल शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, आज इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे सब नौजवान साथियों, कैसे जमाना बदलता है। आज देखो मुकेश भाकर कुर्ते पजामे में है और मैं जीन्स पहन के आया हूँ। आज के कार्यक्रम में मुझको यहाँ पर आमंत्रित किया, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और यहाँ पर आप सब इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है इसमें हमारे जो चुनाव जीते सब साथी, उनको मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और मन से अभी संदीप जी ने, हमारे निर्मल जी ने भाषण दिया, मुझे मौका मिला आपके बीच में आने का, इसलिए मैं चाहता हूँ आप शांति से 10-5 मिनट मेरी बात को सुनो। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मुझे राजस्थान के अलग अलग जिलों में किसान सम्मेलन जो आयोजित हुए थे उसमें जाने का निमंत्रण मिला। मैं हनुमानगढ़, नागौर, झुंझुनू, पाली, इन तमाम जिलों में गया और मैंने सभी किसानों को आवेदन किया कि हम सब किसान परिवार के लोग, हर जाति बिरादरी के लोग संगठित हों, अपनी समस्याओं के बारे में जागरूक हों और हम लोग आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा नीति निर्माण करें कि हमारा जीवन बदल सके। इस देश में और खासकर राजस्थान की जो जनसंख्या, जो आबादी है, 2/3 30 और 35 साल से उम्र के कम के लोग हैं। आप जैसे लोग इस राजस्थान के अधिकांश मतदाता हैं। हम लोगों को बेहतर व्यवस्था चाहिए, पढ़ाई शिक्षा के बाद रोजगार के अवसर चाहिए और नौजवान लड़के लड़कियों में जो प्रतिभा हैं उन प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए हमें प्लेटफॉर्म चाहिए। जो मेहनत करते हैं गांव में, शहर में, हाथों से मजदूरी करते हैं, बहुत मुश्किल से बच्चों का पेट पालते हैं, उन बच्चों की तकदीर बदलने के लिए हमें सहानुभूति, हमें किसी की भीख ये सब नहीं चाहिए। हमें अवसर चाहिए, हमें प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें स्वच्छ प्रतिस्पर्धा चाहिए। और हमारा राजस्थान का नौजवान, आज आपका कंपटीशन बंबई, दिल्ली, चेन्नई के लोगों से नहीं है, आज हमारी प्रतिस्पर्धा पूरे देश के, दुनिया के साथ है। हमारे अंदर वो गुण, वो कला, वो ताकत होगी तभी हम दुनिया भर के नौजवानों को चुनौती दे सकते हैं। हमें अपनी सोच को, हम लोगों को जो नीति बनाने का काम करते हैं, जो सरकारों में, राजनीति में, विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में, हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम जो कानून बना रहे हैं, जो नीति निर्माण कर रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं, जो कार्यक्रम बना रहे हैं, जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं, वो किसके लिए बना रहे हैं। अपनी सोच को व्यापक करना पड़ेगा। हम लोगों के अंदर भविष्य की पीढ़ी की चिंता अगर नहीं रहेगी तो हम सही राजनीति नहीं कर रहे हैं। चुनाव आते हैं, हम एक दूसरे का विरोध करते हैं और करना भी चाहिए, सिद्धांतों पर करना चाहिए, मुद्दों पर करना चाहिए। पिछले 5 दिनों से मैंने जिन बातों पर भाषण दिया है वो मुद्दे हैं किसान के, नौजवानों के, आप लोगों के,
वो व्यक्तिगत आरोप नहीं है किसी के ऊपर। साथियों, व्यक्तिगत आलोचना करना, गाली गलौज करना, कठोर शब्द बोल देना बड़ा आसान काम है। लेकिन इन 32 सलाखों के पीछे जो बिना हड्डी की जीभ है, इसको संयंत्रित करना ये बहुत जरूरी है। मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। और मैंने मेरी राजनीति में मेरे ईश्वर के पिताजी से बहुत कुछ देखा सीखा है। और राजनीति के अखाड़े में बड़े बड़ों को पटक नहीं देते हुए देखा है। लेकिन मुद्दों पर, इश्यूज पर, पब्लिक सेंटिमेंट पर आप पटक नहीं दो तो लोग ताली बजाते हैं और अपमान कर देना, छोटी मोटी बात बोल देना। आप सब जानते हो मेरे बारे में क्या क्या बोला, क्या बोला, क्या जो पहले बोला वो बताओ मेरे को। तो साथियों, इन सब बातों की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा, और मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज मैं इस कॉलेज में आया हूं, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूं और मैं कोई मास्टर नहीं हूं, लेकिन मैं आपके बीच में आया हूं, आपसे उम्र में बड़ा हूं, इसलिए मेरा दायित्व बनता है। मैं आपसे बड़ा हूं, मेरा दायित्व बनता है मैं आपको सही बात बोलूं, आपके संस्कारों को जगाऊं। आपकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों का मान सम्मान करो, लोगों को इज्जत बख्शो, और इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, आप इस कॉलेज में पढ़ते हो, आप इस कैंपस में पढ़ रहे हो, बड़े खुशनसीब हो। ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं जिनको इन कॉलेजों की चार दीवारी नसीब नहीं है। आप इस अवसर का, इस माहौल का, आपको एक अच्छे वातावरण में पढ़ने का जो वरदान मिला है, इसका सदुपयोग करें और अपने आचरण में, अपनी भाषा में, अपनी बोली में, अपने विचार में, अपने व्यक्तित्व में ऐसी चीजें लेकर आओ ताकि आपसे आगे आने वाली पीढ़ी, आपसे आने वाली आगे पीढ़ी आप पर गर्व कर सके, आपको सम्मान दे सके। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, युवाओं के साथ सिर्फ न्याय होता रहे, उनको उनके काबिलियत के आधार पर मौके मिलते रहें, उनकी प्रतिभाओं को हम रोकने की जगह बढ़ाने का काम करें, संतुलित संयमित अनुशासन के साथ आप लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं, वो सब संसाधन आपको मिले जिनको लेकर आप अपना जीवन बेहतर कर सकते हो, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। अब दोस्तों, मेरा फोन मिला, जब चुनाव आते हैं और मैं प्रचार करने जाता हूं तो मेरे सामने हमेशा बीजेपी खड़ी रहती है, और आप सब जानते हो जब जब मैं प्रचार करता हूं मैं उनका धुआं निकाल देता हूं। तो राजनीति में, लेकिन मेरे विरोधियों का जो मेरे सामने चुनाव लड़ते हैं, जो मेरा विरोध करते हैं, मैंने हमेशा उनको मान सम्मान दिया है। मैंने उनके प्रशासनिक कार्रवाइयों को, उनकी नीतियों को, उनके कानूनों को, उनके काम करने के तरीकों को और उनके भ्रष्टाचार को मैंने उजागर करने का काम किया। लेकिन मैंने कभी भी अपने विरोधियों के सामने उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो शब्द मैं अपने लिए नहीं सुनना चाहता हूं। और ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, आप ध्यान से सुनो, जो शब्द जो बातें आप अपने लिए नहीं सुन सकते वो औरों को नहीं बोलनी चाहिए। और
आने वाले समय में, अब मैं संदीप का भाषा सुन रहा था भाई, इस कम उम्र में बहुत लंबा जाएगा भाई। मैं जब मैं पहला भाषण दे रहा था, 1990 के चुनाव थे और मेरी माँ चुनाव लड़ रही थी हिंडोली बूंदी से, सर्दियों के दिन थे, मैं 12-13 साल का था। तो उन दिनों में जिप्सी नई नई आई थी गाड़ी, वो तो मैं चुपचाप सुबह ठंड में गाड़ी में बैठा हुआ था, मेरी माँ बाहर जाके भाषण दे रही थी गांव के अंदर पेड़ के नीचे। तो वहाँ के सरपंच ने, उसको पता पड़ गया कि रमा पायलट जी का बेटा गाड़ी में बैठा है, तो उसने आवाज़ देके मुझे बुला लिया नाम लेके। अब मीटिंग थी, चुनाव का समय था, मैंने कहा नहीं जाऊँगा तो रोक रहा बुरा मानेगा, तो मैं जाके वहाँ बैठ गया मंच पे। वहाँ होंगे 150-200 लोग गाँव में। तो सरपंच साहब ने मेरी माँ को बुलाने से पहले मेरा नाम लिया और बोला, अब ये सचिन जी आपको दो बात बोलेंगे। और मेरे हाथ में माइक पकड़ा दिया। मैं पहली बार स्कूल से छुट्टी लेके गया था, मैंने कहा माँ का प्रचार है, जाके देखा दें क्या हो रहा है वहाँ। उस टाइम पोस्टर और ये स्टेंसिल से दीवार पेंट वगैरह करते थे, तो मैं वहाँ देखने गया था और वहाँ उसने मंच पे मेरे को माइक पकड़ा दिया हाथ में। अब वो माइक पकड़ा मैंने, लोग सामने मेरा मुँह देख रहे हैं, अब मेरी माँ यहाँ बैठी है, अब मैं क्या तो भाषण देता क्या नहीं बोलता। तो मैंने माइक उठा के मेरे ख्याल 1.5 या 1.75 मिनट भाषण दिया होगा और मेरे दोनों घुटने कांप रहे, मेरा हाथ कांप रहा है, मुझे समझ नहीं आ मैं क्या बोलूं। लेकिन मैंने ले दे के बोला, मैंने कहा भाई आप मेरी माँ को जिताओ चुनाव में, हम सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे, ऐसा कर बोल दिया मैंने। तो पहला भाषण मैं 13 साल का था, मैंने वहाँ माइक पटका, जोर से भागा गाड़ी में, मैंने कहा जी मैं जा रहा हूँ वापस स्कूल पढ़ने के लिए। लेकिन भाषण देना, मैं आज के इसको देखो, ये तो भाषण से पता पड़ जाता है कौन निर्दलीय है कौन दल का है। भाई छूट है, तुम निर्दलीय है, मर्जी आप बोल सकता है जो। लेकिन मैं हर जगह जा रहा हूँ साथियों, क्योंकि मंच ये एक राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन जिस विचारधारा को, जिस दल को मैंने 20 साल तक मजबूत किया है, मैं हमेशा उसको मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। और जब 2013 में मुझे पहली बार 2014 में मुझे पहली बार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने, मैं जब जयपुर आके काम करना शुरू किया, उस समय हम लोग चुनाव हार गए थे, आप जानते हो, आप तो खैर बहुत छोटे सारे के सारे, लेकिन 2013 में हमारे सिर्फ 20-21 सांसद विधायक रह गए थे। तो हमने 5 साल तक बहुत संघर्ष किया, सबके साथ मिलकर किया, और उन पाँच सालों में 13 से 18 तक जब हम विपक्ष में थे, तो आप में से कुछ लोगों को याद होगा, कुछ की जानकारी होगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस अध्यक्ष के नाते उन 5 सालों में हमारी मेहनत में कोई कमी देखी है आपने? मेहनत खूब करी, बोलो हाँ कि ना। संघर्ष में कोई कमी देखी? मेहनत में कोई कमी नहीं, संघर्ष में कोई कमी नहीं, मेहनत में कमी दिखी, संघर्ष में कमी दिखी, रगड़ाई में कमी दिखी। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आप सब लोग भी हिम्मत से काम लो, आने वाला जमाना, आने वाला भविष्य देश प्रदेश का आप सबके साथ है, नौजवानों के साथ है। और मैंने जो मुद्दे उठाए हैं, मैं चाहता हूं न्याय मिले, जल्द मिले, बिना पक्षपात के मिले, और न्याय मिलना भी चाहिए और न्याय दिखना भी चाहिए कि मिल रहा है। छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी अगर विवाद होगा, कोई भी विरोध करेगा, तो मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा। छात्रों को, स्टूडेंट्स को, और सिर्फ छात्रों को नहीं, नौजवानों को, नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने में जो योगदान देगा मैं उसका समर्थन करूंगा। इसलिए साथियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप समझदार लोग हो, जागरूक लोग हो, सब व्हाट्सएप फेसबुक सब घूमे हो, सब जानते हो आप लोग, तो जो हकीकत है वास्तविकता है उसको पहचानो, अच्छे बुरे में फर्क को समझो, अपने पराये के फर्क को समझो, जो आपके लिए संघर्ष करे, आपके साथ खड़ा रहे, आपके दुख दर्द में शामिल रहे, उसके कंधों को, बाहों को ताकत दो। और मैं प्रदेश भर में, देश में जहाँ भी जाता हूँ,
ये बोलकर जाता हूं, अगर मुझे कम उम्र में मौके दिए थे, मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कम उम्र में मौके दिए। मैं 26 साल का संसद में चला गया था, और जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था, जब मैं अध्यक्ष बना तो मैंने जितने जी नगर पालिका के चुनाव हैं, पंचायत समिति के चुनाव हैं, तब उस वक्त मैंने 40% टिकट उन लोगों को दिए जिनकी उम्र 40 साल से कम थी। और मुझे अवसर मिला अध्यक्ष बनने का, तो मैंने बहुत सारे नौजवानों को विधानसभा तक पहुंचने का एक मौका दिया। बाकी हार जीत भगवान कराता है, लेकिन मौका देने की बात होती है। अगर हम लोग, आप सब जो मंच पे आज खड़े हैं, जो आज को अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, महासचिव है, विधायक है, पूर्व विधायक है, महापौर है, हम सबको मौके मिले हैं, हमें दिल बड़ा रखना पड़ेगा। हमें अपने से कम उम्र के नौजवानों को मौका देना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं तो सलाम करता हूँ, अभी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री आपने देखा होगा, 42 साल की हैं, सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी थी 7-8 साल पहले। आज उन्होंने कहा कि भाई मेरी कोई रिपोर्ट छपी थी कि उनकी रेटिंग कम हो गई, उन्होंने एग्जाम में इस्तीफा दे रही हूँ, मैं पार्टी के लिए काम करूँगी। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, दुनिया का चर्चित चेहरा, 42 साल की उम्र, 8 साल पहले प्रधानमंत्री बन गई। जब लगा कि जनता में उनकी साख में रिपोर्ट आई कि पब्लिक रेटिंग होती है, ओपिनियन पोल, उसमें नंबर कम आ गए, उसने कल रात को टीवी पे कहा कि मैं अपना इस्तीफा दे रही हूं और अपनी पार्टी के लिए काम करूंगी। सोनिया गांधी जी ने कहा उदयपुर में, और सोनिया गांधी जी का मैं बहुत कायल हूं साथियों, जब वो अध्यक्षा थी 2004 में, हम जैसे 15-20 लोगों को बुलाया उन्होंने, दिल्ली बुलाया और टेबल बैठा के पूछा कि आप सब कम उम्र के लोग हो, नौजवान हो, 23-24-26 साल के लोग हो, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो बनने जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए, उस टाइम वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, कि इस मैनिफेस्टो में क्या लिखना चाहिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, नौजवानों के अरमान क्या हैं, आपकी उपेक्षा क्या है, उम्मीदें क्या हैं, मुझे बताओ ताकि मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखूँ उन बातों को। ये सोच होती है लोगों को साथ लेने की। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जो मंच पर बैठे हैं, खड़े हुए सब विधायक, हम सब बन बना गए, अब हमें आप सबका सोचना चाहिए, आने वाली पीढ़ी का सोचना चाहिए, उनको हमारे अनुभवों का लाभ मिलना चाहिए। हमने जो सही किया, जो गलत किया, उसका लाभ आपको मिले। अरे तुम क्यों ठोकर खाकर उठो भैया, हम बता देंगे आपको कहां से रास्ता निकलना है। ये होता है एक अगली पीढ़ी को संभालने का, सुजोने का, सहायता देने का, सहयोग देने का, समर्थन देने का भाव। उस भाव से हम काम करेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज आप सब लोगों ने अभी देखा, मैंने आज गर्मी ज़्यादा हो गई, पहले ठंड थी 3-4 दिनों में, अभी गर्मी ज़्यादा हो गई। लेकिन आप सब नौजवान साथी हो, मैं आपको पुनः वादा कर जाता हूँ, हम सब राजनीति में जो लोग काम करते हैं, पब्लिक के लिए काम करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं आप सब लोगों को आश्वासन देकर जाता हूँ, आपकी हर ज़रूरत के लिए, हर वाजिब मांग के लिए, जो आपकी ज़रूरतें होंगी, आपकी वाजिब मांग होगी, और मेरी उम्मीद है, मेरी कोशिश है, मेरी तमन्ना है कि आप सबके जीवन को कुछ बेहतर मैं बना सकूँ। और जब जब मुझे मौका मिला मैंने करने की कोशिश की है, भविष्य में क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपके साथ था, हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बताना चाह रहा हूँ, पिछले 5 दिनों से मैं अलग अलग जिलों में गया हूँ, और मैं किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ बहुतों से संवाद किया, बहुत लंबे लंबे भाषण दिए, लेकिन सही में जितना मज़ा मुझे आज आया है, इतना मज़ा पहली मीटिंग में नहीं आया। तो मेरे साथ जोरदार नारा दो, ताकि हमारी एकजुटता, और यहाँ जाति, बिरादरी, भाषा, सब बातों को भूल जाओ, जोरदार नारा दो ताकि पूरा देश हमारी बात को सुन सके, भारत माता की। वो महारानी कलदाली बोल रही हैं क्या? भारत माता की। अंतिम नारा आसमान में छेद होना चाहिए, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।